नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, एक बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स की वैल्यू हमें यहां पर दी गई है 6i cap - 8j cap + 10k cap वेक्टर की फॉर्म में। जब ये फोर्स लगता है उस बॉडी के ऊपर तो एक्सेलरेशन एक्वायर होता है और वो है 1 m/s² और इसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है। ध्यान रखना क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कोई डायरेक्शन हमें नहीं दी हुई है और हमसे पूछा गया है मास कितना होगा उस बॉडी का। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ लगेगा, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन फोर्स हमें दिया हुआ है, नेट फोर्स दिया हुआ है वेक्टर की फॉर्म में, एक्सेलरेशन वेक्टर की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इसकी फॉर्म में दिया हुआ है इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑनली। तो हमें क्या करना चाहिए, मास भी हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ही निकालना है क्योंकि वो तो वेक्टर क्वांटिटी होता ही नहीं। तो हमें सबसे बढ़िया अप्रोच क्या होगी इस सवाल को करने की, कि सबसे पहले तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ लिखें, एफ वेक्टर इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा मैंने, लेकिन ए तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ ही नहीं, बात समझ रहे, ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय एम, या फिर हमसे एम पूछा है तो सबसे बढ़िया क्या है हम यहां पर एम लिख देते हैं, एम इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर, ये होगा नहीं क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करें, हम क्या करें, सबसे बढ़िया है हम लिख देते हैं एम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड की टर्म, क्लियर है, क्योंकि डिवाइड तो पॉसिबल ही नहीं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड पॉसिबल नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, मास इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए, और ये जो एफ मैंने लिखा है यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो क्या करें यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6² + 8² + 10² कितना हो गया, ये हो गया 36 + 64 + 100 + 100। ध्यान से देखें तो फोर्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 200, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू 10√2 न्यूटन। इतना फोर्स यहाँ पर इस बॉडी पे लग रहा होगा, डायरेक्शन की फॉर्म में दिया हुआ था, वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ था, हमने उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लोग नाम दे देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, मास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितना 10√2, एक्सेलरेशन कितना 1 m/s² जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मास कितना आ गया, मास आ गया 10√2 के, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व हमने तो कर तो दिया, लेकिन बेटर ये है कि जो यहाँ पर फोर्सेस वगैरह दिए हुए थे फोर्स भी हमने निकाल ली, मास भी हमने यहाँ सॉरी एक्सेलरेशन भी पुट कर दिया, लेकिन बेटर ये है कि यहाँ पर जब हमने ये इक्वेशन लिखी तो हमें यहाँ पर लिख देना चाहिए कि गिवन क्या है, गिवन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 m/s², ए जो है वो हमारा 1 m/s² होगा, ठीक है, और उसका ए का वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, यहाँ पर पुट कर दी, तो उससे क्या हो गया, मास कैलकुलेट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।